रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। अभी अभी मौसम विभाग का अलर्ट शुरू हो चुका है, मौत का बवंडर, चार राज्यों में इस समय होगी तबाही, न्यू दिल्ली, धूलभरी आंधी और बवंडर का खतरा अभी टला नहीं है। मौसम विभाग ने शनिवार को अगले तीन दिन 5 से 7 मई के लिए 12 राज्यों में तेज आंधी तूफान की आशंका जताई है। साथ ही उत्तर पूर्व और दक्षिण के कुछ राज्यों में भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई। बुधवार रात भी यूपी, राजस्थान समेत देश के उत्तरी इलाकों में धूल भरी आंधी चली थी। इसके असर से गुरुवार को दक्षिणी राज्यों में जमकर बारिश हुई। मौसम के इस पलटे में जांच का असर 12 राज्यों पर पड़ा। इसमें 133 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, 300 से ज्यादा घायल हो गए, हजारों मकान, सैकड़ों वाहन और फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इन राज्यों में तूफान और बारिश का खतरा मौसम विभाग के मुताबिक 5 से 7 मई तक उत्तराखंड, राजस्थान, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल में अलग अलग स्थानों पर आंधी तूफान की आशंका है। इसी दौरान तमिलनाडु, केरल, असम, मेघालय और त्रिपुरा कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि मौसम में तूफान और आंधी चलना सामान्य घटना है। वायुमंडल में कुछ ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं, जिनसे तूफान उठ सकता है। देश के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी प्रायद्वीपीय इलाकों में तूफान की आशंका है। इसके लिए अलर्ट जारी हो चुका है। तूफान से किस राज्य में कितनी मौतें, राज्य मरने वालों की तादाद, उत्तर प्रदेश 73, राजस्थान 36, आंध्र प्रदेश 5, तेलंगाना 5, ओडिशा 3, इनके अलावा मप्र, झारखंड, हिमाचल, पंजाब और उत्तराखंड में भी आंधी और बारिश से करीब 15 लोगों की मौत होने की खबर है। तारीखों में जाने कहां क्या हो सकता है। 5 मई जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ इलाकों में तेज हवा और धूलभरी आंधी चल सकती है। 6 मई जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में तेज हवा के साथ धूलभरी आंधी आ सकती है, ओले भी गिर सकते हैं। 7 मई हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ ओले गिर सकते हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं। पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों में धूल का गुबार यानी बवंडर उठ सकता है। 3 दुर्लभ वेदर सिस्टम का कॉम्बिनेशन लाया तूफान, मानसून पर नहीं पड़ेगा असर। 3 दुर्लभ वेदर सिस्टम के कॉम्बिनेशन ने ये हालात बनाए। वेस्टर्न डिस्टरबेंस ने राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनाया, इससे गरजने वाले बादल बने। यह पैटर्न यूपी होते हुए बिहार पहुंचा, वहां बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी मिली, उच्च तापमान के चलते तूफान जैसा माहौल बन गया।